नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आसी एस्ट्रोलॉजी। मैं नीतू सिंह। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि झाड़ू का इस्तेमाल हमें कैसे करना चाहिए, कहाँ झाड़ू रखनी चाहिए, क्योंकि झाड़ू से संबंधित हम कुछ ना कुछ गलतियाँ करते हैं जिसकी वजह से हमारे घर की सुख समृद्धि चली जाती है, जिसकी वजह से हमारे घर की बरकत चली जाती है। घर हो या फिर ऑफिस हो, इस्तेमाल की जाने वाली झाड़ू का बहुत ही महत्व, क्योंकि झाड़ू लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। लेकिन क्या कभी आपने गौर किया है कि झाड़ू की वजह से घर में कई बार अशुभ घटनाएं हो जाती हैं? वास्तु के मुताबिक यदि झाड़ू लगाने में या रखने में सावधानी नहीं बरती जाए तो घर की पूरी बरकत चली जाती है। अक्सर लोग झाड़ू टूट जाने के बाद भी उसे इस्तेमाल करते हैं। मैंने भी बहुत लोगों को देखा है कि अगर झाड़ू टूट जाए तो उसे फेंकते नहीं, उसी से झाड़ू लगाते हैं। वास्तु के नज़रिए से ऐसा करना बहुत ही अशुभ माना जाता है। झाड़ू के एक बार टूट जाने पर उसकी तिलियां को दोबारा जोड़कर इस्तेमाल में कभी मत कीजिए। बहुत लोग होते हैं, तिलियां निकल जाती हैं जो सीख वाली झाड़ू होती है, तो फिर उसे जोड़कर वो फिर से अपने घर में इस्तेमाल करते हैं। ऐसी गलती करना अशुभ माना जाता है। आप दूसरी झाड़ू ले आइए, उस झाड़ू को आप मंगलवार या फिर रविवार को अपने घर से बाहर कर दीजिए। जिस अलमारी या तिजोरी में आप पैसा, जेवरात या कीमती सामान रखते हैं, उनके नीचे या बगल में कभी भी झाड़ू ना रखें। जैसे अलमीरा है, आपने वहाँ पे आप तिजोरी बना रखी है और वहीं पे आपने झाड़ू रख दी अलमीरा के नीचे, अलमीरा के बगल में। ऐसा करने से आपके कारोबार संपत्ति पर बुरा असर पड़ता है। तो आपको क्या करना है कि ऐसी गलती नहीं करनी, क्योंकि यही छोटी छोटी गलतियाँ हमारे जीवन में मुसीबतें लेकर आती हैं। घर या ऑफिस में झाड़ू को कभी भी खड़ा करके ना रखें। इस अवस्था में झाड़ू बड़ी अपशगुन मानी जाती है। घर में लड़ाई झगड़े होते हैं, झाड़ू को हमेशा ज़मीन पर लिटाकर ही रखें। अगर आप झाड़ू खड़ा रखेंगे तो आपके घर में आए दिन कलेश होंगे, और कलेश तो भाई किसी को भी अच्छा नहीं लगता। इसलिए झाड़ू को लिटाकर रखें, इससे आपकी जेब या बैंक बैलेंस कभी खाली नहीं रहेगा, आपके पास पैसे की कभी कमी नहीं होगी। क्योंकि घर में अगर कलेश नहीं होगा तो माता लक्ष्मी तो उस घर में निवास करेंगी, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। छोटी छोटी सी चीज़ें हमारे जीवन पर बहुत असर डालती हैं। सूर्यास्त के समय यानी शाम की पहर में झाड़ू लगाना वास्तु की नज़र से अशुभ माना जाता है। जब दिन ढलता है तो हमारे बुज़ुर्ग भी कहते थे कि झाड़ू इस टाइम नहीं निकालनी चाहिए। गलती से भी इस टाइम झाड़ू ना निकालें, ऐसा करने से माँ लक्ष्मी रूठ जाती हैं। इसलिए शाम या रात के समय घर या ऑफिस में झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। यदि मजबूरन ऐसा करना पड़ रहा है तो कम से कम कचरा बाहर ना निकाले। अगर मान लीजिए बहुत मजबूरी हो गई, आपको लगाना ही पड़ रहा है, तो घर की मिट्टी बाहर ना निकले, उसे आप अगर अगली सुबह ही बाहर निकाल सकते हैं। झाड़ू को पश्चिम दिशा के किसी कमरे में रखना बेहद शुभ माना जाता है। पश्चिम दिशा आप देखिए आपके घर की कौन सी है, वहाँ पे आप झाड़ू रख दीजिए। इस दिशा में झाड़ू रखना सबसे अच्छा माना गया है। इस दिशा में झाड़ू के रहने से घर में किसी भी तरह की नकारात्मक ऊर्जा का वास नहीं होता, घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है, घर में धन धान्य की बढ़ोतरी होती है, घर में इनकम के स्रोत बढ़ते हैं। झाड़ू को लक्ष्मी के समान माना जाता है, इसलिए हमेशा ध्यान रखें कि किसी भी इंसान का पैर झाड़ू पर ना लगे। और मान लीजिए गलती से पैर पड़ गया, गलती से कभी कभी गलती हो जाती है, हम करते नहीं लेकिन जानबूझ के नहीं किया, और गलती से टच हो गए तो तुरंत हाथ जोड़ लें, इससे लक्ष्मी जी का अपमान होता है। इसका अनादर होने से घर में कई तरह की आर्थिक परेशानियां आती हैं जो किसी को भी पसंद नहीं है। यदि आप घर या ऑफिस में इस्तेमाल होने वाली झाड़ू को बदलना चाह रहे हैं तो इसके लिए आप शनिवार का दिन भी बेहतर होता है। शनिवार को नई झाड़ू का उपयोग करना शुभ माना जाता है। आप शनिवार को झाड़ू ले आइए, ऐसा करना अच्छा माना जाता है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो मेरी पसंद आई, वीडियो लाइक करें, शेयर करें, मुझसे जुड़ने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे। जय माता दी।